हे गाइस, अगर आप भी ये सोच के परेशान हैं कि रोज़ सुबह सुबह जल्दी में भागा दौड़ी में टिफ़िन के लिए क्या रेसिपी बनाई जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं पनीर का। तो क्या करना है कि पनीर को ऐसे टुकड़ों में कट कर लेना है और उसको साइड रख के यहाँ पर हम डालेंगे मेयोनीज़। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तंदूरी मेयोनीज़। अगर आपके पास तंदूरी मेयोनीज़ नहीं है तो नॉर्मल मेयोनीज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उसके ऊपर से कोई सी भी एक सॉस और ऐड कर दीजिए, चाहे तो शेज़वान या फिर चिली, जो भी आपको पसंद है। अब क्या करना है कि इनको कर देना है मिक्स। तो यहाँ पे हम झटपट वाला बना रहे हैं। तो अब इन सॉस और मेयोनीज़ में ये जो पनीर के टुकड़े हमने डाल रखे थे ना, ये हम मिक्स कर देंगे ताकि जो पनीर के पीसेस हैं उनमें इसका फ्लेवर आ जाए और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्के हाथों से करना है ताकि जो पनीर के पीसेस हैं वो टूटे भी ना, और जितना भी ये मेयोनीज़ और सॉस वगैरह है ये उसके ऊपर स्टिक हो जाए। अब ये भी हमारा बन के रेडी है। अब लेते हैं यहाँ पर ब्रेड की स्लाइसेस। तो जो भी, अगर आप इसको ब्रेड पर बना रहे हैं तो ब्रेड यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और हेल्दी वर्जन में जाना है तो आप यहाँ पे ना नॉर्मल चपाती के जो पीसेस होते हैं, आप एक रोटी लीजिए, उसको चार पीसेस में कट कर लीजिए और उसके ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से इनको फैला दिया है। अब ऊपर से क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल बना रहे हैं तो चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे चीज़ क्यूब जो है वो ग्रेट कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई सी भी चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और चाहे तो ना जैसे टमाटर, प्याज या शिमला मिर्च, कोई भी वेजीज़ वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस बार जो फ्लेवर है वो सिर्फ पनीर का आए। तो धनिया पत्ती डाल दी इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, या तो इसे तवे पे सेक लीजिए तब तक जब तक कि जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी ना तो सारी चीज़ें ब्रेड के साथ या रोटी के साथ अच्छे से चिपक जाएंगी। मैंने इसे ओवन में घुमाया सिर्फ एक मिनट के लिए। और ये देखिए, हमारा जो यम्मी सा नाश्ता है ना गाइज, वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट से एक से दो मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें आप बना के रेडी कर सकते हैं। ऊपर से अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर या चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, और यम्मी से ब्रेकफास्ट, अब आप इसे क्या कहेंगे, पनीर सैंडविच या फिर ब्रेड पिज्ज़ा, जो भी कहें, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बच्चों को और आपको सबको पसंद आएगा। तो होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर करना और बच्चों को टिफ़िन में खुशी खुशी बना के देना। तो तब तक हर रोज़ बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।